Oh. Mm. गुड इवनिंग एवरी वन एक बार सभी सेशन में जोड़ेंगे आज हम सेकेंड क्लास ले रहे हैं आ, किसका सर इलेक्ट्रिकल सर्किट का पेपर ले रहा हूँ मैंने है ना सर्किट बहुत बेसिक होता है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का ये पेपर बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है सो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आपका फाउंडेशन होगा चाहे आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आपको जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है इसके लिए बहुत रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट सो आप लोगों को इसके प्रति बहुत डेडिकेशन से लगना पड़ेगा चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आई होप सो आई होप सो पिन चार्जिंग में नहीं लगा हुआ है एक सेकेंड एक सेकेंड मैं चार्जिंग अच्छा एक सेकेंड मैं इसके प्लग को लगा देता हूँ ये लो चलिए जी है ना चलिए कनेक्टिविटी कैमरा की भी हो चुकी है अपन सेशन की शुरुआत करते लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक देखा था वो था यूनिट वन टॉपिक वन और डेज आज ड है ये कौन सा डे है आज सेकेंड डे है जो हम इस सेशन को क्या कर रहे हैं जी स्टार्ट कर रहे सेकेंड डे को मैं इस सेशन की क्या कर रहा हूँ शुरुआत कर रहा हूँ है ना पम्मी यादव गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो आज सेकेंड डे है जहां पे मैं टॉपिक देखूंगा लास्ट क्लास जो फर्स्ट डे हुआ था उसमें हमने क्या देखा था कि टॉपिक का नाम ही था कि जेनरेशन यानी उत्पादन कैसे होगा एक अल्टरनेटर जिसको लगातार प्लस माइनस प्रोड्यूस कर रहा है खासकर हम स्टडी करते हैं यहाँ पे शैनोशेडल वेब की यानी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की उत्पादन कैसे होती है तो आज उस टॉपिक को हम लिखना भी शुरू करेंगे क्लियर है आज उन टॉपिक का क्या करेंगे हम लिखना भी शुरू करेंगे ये सब आपको पता होना चाहिए चलिए जी आज हम डेज जो है ये कौन सा डे है ये सेकेंड है इसका सेकेंड डे है फर्स्ट क्लास आपका हो चुका है सेकेंड डे हो आज टॉपिक का नाम क्या था सर एक बार मेंशन कर दीजिए टॉपिक का नाम था generation generation of alternating generation of alternating current and voltage and generation of अल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज यही टॉपिक था हमारा लास्ट टाइम का है ना तो आज चलिए इसी की शुरुआत करते हैं इसको अच्छे से कवर करते हैं सबसे पहले जेनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में जब भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हम एक नोट करके लिखेंगे इलेक्ट्रिक सिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय बाई जेनरेटर विच इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय जेनरेटर इन विच एक मल्टीपल टर्न्स मल्टीपल टर्न्स कट दी मल्टीपल टर्न्स कट दी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीपल टर्न कट दी मैग्नेटिक फील्ड बाय व्हिच बाय व्हिच जिसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस प्रोड्यूस होता है ऑन कंडक्टर कंडक्टर पे क्या होता है जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है चूंकि हम बाद में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे ताकि हमारा सेशन बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या अल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज की चर्चा कर रहे हैं सो आपको पता है कि ये एक जनरेटर के द्वारा ही जनरेट होगा जब जनरेशन करेंगे तो एक अल्टरनेटर के द्वारा यानी जनरेटर के द्वारा ही जनरेट होगा है ना जो कि एक बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स किसके कंडक्टर के किसको कट करते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं और उस कंडक्टर पे क्या प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी ओके इलेक्ट्रिसिटी अब आज लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस कल लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे चीजों की चर्चा कर लिया था आपके साथ है ना तो बहुत सारे इमेज दिखाए पिक्चर दिखाए जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो चुका होगा ओके हियर हियर ऑन कंडक्टर हियर on conductor it produce it produce it produce emf e -A m f matlab electro multi force electromotive force that is voltage that is voltage. Now for production of for production of for production of alternating current alternating करेंट थ्रू जेनरेटर थ्रू जेनरेटर थ्रू जेनरेटर वी मस्ट नीड वी मस्ट नीड अ स्लीपरिंग स्लीपरिंग फोर आउटपुट थ्रू ब्रश फोर आउटपुट थ्रू ब्रश के थ्रू आउटपुट के लिए आपको क्या चाहिए थ्रू ब्रश अभी सारा चीज क्लियर कर दूंगा एक एक चीज क्योंकि आपको इस एग्जाम में लिखने की भी जरूरत होती है सो डे वन टॉपिक आज डे टू है सेकेंड डेज है हमारा सेकेंड डे है ओके सेकेंड डे में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले डे में हमने एक एक चीज बताया था इवन एक इमेजिनेशन uh, पिक्चर के थ्रू भी हमने एक एक चीज़ को लिखवाया था समझाया था सो जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज के बारे में आज हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है बाय जनरेटर जनरेटर के द्वारा इन हुई जहाँ पे मल्टीपल टर्न्स uh, जो मल्टीपल टर्न्स होते हैं किसके कंडक्टर के मल्टीपल टर्न्स किसके कंडक्टर के मल्टीपल टर्न्स किसके ऑफ कंडक्टर कट दी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड वो कट करता है बाय बाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं ऑन कंडक्टर हैं कंडक्टर में जो प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक मोटी फोर्स दैट इज वोल्टेज उसी को कहते हैं ना फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हुआ करंट वोल्टेज तो हुआ लेकिन कौन सी बात कर रहा है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करेंट की बात कर रहा है कौन सा अल्टरनेटिंग करंट मतलब ए सी की बात कर रहा है थ्रू जेनरेटर जेनरेटर से आपको क्या लेना है? जी एसी लेना है सो वी मस्ट है स्लिपरिंग और कम्यूटेटर uh, में वो हम आगे चर्चा करेंगे फॉर आउटपुट थ्रू ब्रश ओके सो आइए मैं इन चीजों को एक बार अच्छे से देख लेता हूं आई होप सो ये आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर बैठ जाएगा आइए मैं पहले इसका पिक्चर बना लेता हूं एक बार एक बार इसका पिक्चर बना लेता हूं यहां एन पोल है यहां एस पोल है देखिएगा यहां पर यही इसका स्लिप रिंग होता है जिससे हमारा ब्रश अटैच होके इससे आउटपुट रिसीव करता है क्या करता है इससे आउटपुट रिसीव करता है ओके ये देखना एक हमारा क्या है पोल है एंड पोल और एस पोल जिसका एनिमेशन हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था तो आज देखना ये हमारा एक एक चीज़ को एलिब्रेट कर देता हूँ ये हमारा क्या है जी कंडक्टर है ये हमारा क्या है जी कंडक्टर है ये हमारा क्या है कंडक्टर टर्न है ये क्या है पोल है हमारा क्या है जी पोल है ये क्या है जी यही है स्लिप रिंग यही क्या है जी स्लिप रिंग ओके और ये क्या है कार्बन ब्रश कार्बन ब्रश मोस्टली किस चीज के होते हैं जी बने हुए कार्बन के ही. ओके ये किस चीज का होता है फोर्ज कॉपर ये फोर्ज कॉपर या कॉपर का होता है ओके okay, ये कंडक्टर ये पोल है है ना यहां पर आप देखे ना ई एम एफ प्रोड्यूस सबसे पहले कहाँ होगा इसी कंडक्टर पे ई एम एफ प्रोड्यूस होता है और आपको पता है आउटपुट कैसा मिलेगा आपको यहां से देखिएगा अगर मैं कहता हूं कि यहां पर आउटपुट की जगह पे यहां बल्ब लगा दूं, मैं यहां कहूंगा कि आउटपुट तो आपको मिल रहा है ठीक है अगर मैं यहाँ कहूँ कि बल्ब एक लगा दूं, देखना मैं यहाँ एक बल्ब लगा दूं, यहाँ एक बल्ब लगा दूं मैं मैं बल्ब लगा ये बल्ब ग्लो करेगा जब ब्लो मान लो यहाँ बल्ब नहीं लगा यहाँ कनेक्शन मैंने काट दिया हुआ है यहाँ कनेक्शन अगर काट दूं, यहाँ कनेक्शन स्विच लगा दिया अगर कनेक्शन कटा हुआ है तो करंट नहीं जाएगा सिर्फ ई एम एफ प्रोड्यूस होता है लेकिन जैसे ही इसको क्लोज कर दू मैं तभी इसमें क्या होगा करंट का सर्कुलेशन होने शुरू होंगे कभी इस ब्रांच में इधर से करंट कभी इधर से जाएगा कभी इधर से आएगा और ये क्या करेगा ग्लो करेगा ये बल्ब क्या करेगा जी ग्लो करेगा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा ओके okay, और यहीं पर अल्टरनेटिंग नेचर का जो वेब होता है यहीं पर जो अल्टरनेटिंग नेचर का वेब होता है ये देखना ये ऐसा होता है अल्टरनेटिंग नेचर का जो वेब होता है वो ऐसा होता है यहीं पे अल्टरनेटिंग नेचर का जो वेव होता है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में आप वोल्टेज जेनरेट कर सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में करंट जेनरेट कर सकते हो लेकिन जैसा ही स्विच ऑन होगा तो ये होगा ये इस तरीके से आपका एसी जनरेशन है ये एसी जनरेशन जो एसी जनरेटर सन कर रहा है वह एसी जनरेटर ये कैसा जनरेटर है ये एक एसी जनरेटर है ठीक है ना तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए एक एसी जनरेटर कैसे एसी जनरेट करता है और यहाँ पर अगर मान लो एन पोल पर यह कंडक्टर गया मैं कहता हूँ इस कंडक्टर का पोर्ट यहाँ पे सीवन और यहाँ सी टू बोल देता हूं अगर ये एन पोल पर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे ऐसा है ओके okay. लेकिन यही चीजें यही देखो ये यह अगर इससे अटैच है ये किससे अटैच है इससे तो यहाँ पे कभी प्लस मिला यहाँ पे क्या मिला प्लस मिला तो ये अपने पोजीशन पे शुरुआत से यहां देखिए एक साइकिल में पोल को ऐसे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है एक कंडक्टर क्या कर रहा है यहां से शुरू कर रहा है और शुरुआत में यहाँ पे जाके कंडक्टर क्या कर रहा है पेलली कट कर रहा है किस लाइन को पेलली कट कर रहा है सर इस लाइन को पेलली कट कर रहा है इस लाइन को लाइन ऑफ फ्लक्स ले लें क्या है लाइन ऑफ फ्लक्स उसको पेलली कट कर रहा है और यहाँ पर जब कट करता है तो इसमें मैक्सिमम ई एम आई प्रोड्यूस होता है ध्यान रखना जिस तरीके से ये कंडक्टर यहाँ से चला जीरो डिग्री से यहाँ से चला कितना सर जीरो डिग्री से यहाँ से जीरो डिग्री इसके लिए ये कितना हुआ सर नाइन्टी डिग्री कितना हुआ 90 डिग्री फिर यहाँ से यहाँ चलूँगा तो कितना हुआ 180 डिग्री कितना हुआ 180 डिग्री यही कंडक्टर फिर यहाँ से यहाँ चलेगा कितना हुआ सर सर यहाँ पे हुआ 270 डिग्री और यहाँ यही कंडक्टर फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री है ना तो जीरो डिग्री या 360 डिग्री एक ही बात है ठीक है तो जैसे जैसे डिग्री चेंज करता है देखना ये कंडक्टर जैसे जैसे यहां से गया जीरो ही एम क्योंकि ये लाइन ऑफ फील्ड के पैरेलल है जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है जैसे ऊपर नब्बे डिग्री पे मैक्सिमम परपेंडिकुलर कट कर रहा है देखिए मैक्सिमम नब्बे डिग्री पे ये क्या कर रहा है जी ये कंडक्टर है ये नाइन्टी डिग्री पे ये क्या है परपेंडिकुलर कट कर रहा है किसको ये लाइन ऑफ फ्लक्स को है ना ये देखिएगा चीजों को तो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर कट कर रहा तो मैक्सिमम धीरे धीरे फिर ये एंगल एंगल्स बना के यहां पे पैरेलल हो जाएगा तो जीरो सो जीरो डिग्री यहां पर है सर यहाँ पर क्या है मैक्सिमम देखिए ये क्या मिला मैक्सिमम वोल्टेज यहां प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री यहां पर सर फिर 180 डिग्री बिल्कुल देखते जाइए साइकिल किस तरीके से ई का हो रहा है सर यहां से चले 90 पे मैक्सिमम फिर 180 पे एकदम जीरो क्योंकि ये लाइन ऑफ फील्ड के पेल है सर ये क्या है जी लाइन ऑफ फील्ड के क्या हुआ पेल है तो क्या हुआ ये होगा जीरो फिर यहाँ से 270 पे आएगा तो क्या होगा 270 पे आएगा तो सर 270 पे आया तो ये मैप फिर क्या हो गया मैक्सिमम ये देखिए ये नेगेटिव साइड गया लेकिन यहां क्या हो गया मैक्सिमम uh, इसको क्या बोलते हैं जी 270 डिग्री कितना 217 सो सत्रह क्या होगा 360 मतलब ये कंडक्टर फिर अपने पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे गया मतलब जीरो डिग्री या 360 पे तो ये फाइनल वैल्यू ईएमएफ का कितना हो गया जीरो तो देखना एक वेव कर्व जो बन रहा है फाइनली फाइनली एक वेव कर्व जो बन रहा है आप क्या पाते हो कि एक कर्व में कितने पीक बनते हैं दो पीक बनते हैं एक कंप्लीट साइकिल यानी 360 डिग्री पर 360 डिग्री एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है यहाँ पर और उसमें जो है आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है ये देखिए मैक्सिमम और यहाँ भी मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ भी वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा है बट नेगेटिव इन डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जी नेगेटिव डायरेक्शन में ओके तो यहां पर आपको एक एक चीजों को देखना पड़ेगा चीजों को समझना पड़ेगा तो यही है हमारा क्या यहां पर सर ये क्या है हमारा जो ई का जेनरेशन है वोल्टेज का जो जेनरेशन है अब यहां पर एक साइकिल को तोड़ के समझेंगे एक एक साइकिल को तोड़ के समझेंगे जिस तरीके से ये वोल्टेज उत्पन्न हुआ वैसे ही हमारा करंट अगर वोल्टेज उत्पन्न हुआ यहाँ पे कंडक्टर में क्या वोल्टेज लेकिन जब करंट की बात करेंगे तो जैसे बल्ब क्लोज स्विच क्लोज हो जाएगा यार ये स्विच क्या होगा जी क्लोज हो जाएगा जैसे ही तो बल्ब ग्लो करेगा तब क्या करेगा बल्ब ग्लो करेगा और बल्ब जब ग्लो करेगा आपका जब बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब है करंट इस परिपथ में फ्लो होने लगा है इस परिपथ में करंट फ्लो होने लगा करंट का भी वेव ऐसा ही चलेगा जहां वोल्टेज ज्यादा वहां करंट ज्यादा जहां वोल्टेज जीरो वहां करंट जीरो फिर जहाँ वोल्टेज मैक्सिमम वहां करंट मैक्सिमम कब जब लोड रेजिस्टिव होता है लेकिन अभी इन सब चीज की चर्चा नहीं करना लोड क्या है रेजिस्टिव या इंडक्टिव नहीं आप ये समझो जब लोड लगा है तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ रहा है वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो फिलहाल है ना वोल्टेज नेगेटिव में करंट भी नेगेटिव इस तरीके का आपको मिलता है है ना तो इस तरीके का क्या मिलता है एक मिलता है अगर आप चर्चा करोगे ये ये क्या है है एक मिल रहा देखना ये क्या मिल रहा है एक वेबसेप मिल रहा है ये क्या मिल रहा है एक वेबसेप मिल रहा है अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर एक वेव से मिल रहा है जो कि एक वोल्टेज का है और एक किस चीज़ का है जी करंट का है करंट का आई एम है वोल्टेज का यहाँ वी एम लिखाता है यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट 360 डिग्री साठ डिग्री है क्यों एक चक्र कंप्लीट हुआ है सिमिलरली करंट का भी यहाँ से यहाँ क्या होता है एक चक्र कहलाता है जहां तीन सौ डिग्री ये क्या करता है कंप्लीट कर लेता है इसी को बोलते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ता है तो टी टाइम के रिस्पेक्ट में आगे टी या एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है तो इसको थीटा या एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं अब इस कर्व को यही है जनरेटेड ईएमएफ अगर जनरेटेड एसी जनरेट करना है एक जनरेटर से एसी जनरेशन में हमको ये मिलता है ये क्या है एसी जनरेटेड वोल्टेज इसको क्या बोलते हैं एसी जनरेटेड जो जनरेशन हुआ है वोल्टेज कर वोल्टेज का क्या हुआ कर्व मिला आपको या वेब फॉर्म ओके यहां की बात करूं मैं यहां की यहां की तो यहां के लिए क्या बोलूंगा एसी जनरेटेड करेंट वेब फॉर्म एसी सी जेनरेटेड करेंट वेब फॉर्म ओके अब इसी ये जो जेनरेटेड हुआ जी क्या क्या कर कर रहे हैं अपन एक बार बारकी से शुरुआत करते हैं अपन है ना सबसे पहले हमने बोला कि आज हम चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे लास्ट क्लास में हमने चीज़ों को समझाया था आपको एक एक चीज की ऐसी जनरेशन कैसे होता है इसके बारे में पूरे लैंग्वेज लिखे इनके बारे में हमने पूरा लैंग्वेज दिया जितना देना चाहिए अपने को फिर एक ग्राफ बनाया जिससे सॉरी ये एक पूरा हमने नीट एंड क्लीन आ, आपको डायग्राम बनाया जिसमें ये पता चला इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से एंगल पर आपका वोल्टेज मैक्सिमम होता है ओके और इसी कर्व को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी या इंजीनियर में इसी कर्व को इसी कर्व को लिखने का जो तरीका है वोल्टेज कर्व को हियर वोल्टेज वेवफॉर्म, फॉर्म वोल्टेज इक्वेशन हियर वोल्टेज एंड करेंट इक्वेशन कैन बी रिटेन एज कैन बी रिटेन एज कैसे लिखा जा सकता है यहाँ के वोल्टेज गुड इवनिंग गुड इवनिंग यहाँ के वोल्टेज और करेंट के वेब को कैसे लिखा जा सकता है तो आप जब इसकी चर्चा करोगे तो जी इसको लिखा जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है जैसे वोल्टेज के कर्व को इस वेव को चूंकि इस वेव को क्या बोलते हैं साइनोसोइडल वेव लैंग्वेज में सब लिखेंगे इसको साइन साइन वेव को फॉलो करता दैट्स व्हाई इट इज ए साइनोसोइडल वेव ओके वी ऑफ टी को लिखते हैं वी एम साइन और थीटा या थीटा के जवाब पर ही ओमेगा टी होता है तो इसको लिखते हैं वी एम साइन ओमेगा टी ओके जबकि करंट का कर्व अगर लिखना हो क्योंकि ये आई ऑफ़ टी क्यों दे रहा हूं क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइम है ये देखो करंट का मैग्नीट्यूड इस टाइम कुछ और है इस टाइम कुछ और है इस टाइम कुछ और, है, कुछ और, है, कुछ और है, ये मैक्सिमम है जबकि ये डिग्री कितना है मैक्सिमम है नब्बे डिग्री तो करंट का वैल्यू जो है अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू है इसलिए वेरिएबल है आई ऑफ़ टी फंक्शन करंट जो है किसका फंक्शन है टाइम का फंक्शन है मतलब टाइम चेंज होता है तो करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी, यहा, कभी यहा। इसीलिए तो अल्टरनेटिंग नेचर है कभी प्लस कभी माइनस अल्टरनेटिंग नेचर का ठीक है ना सर ऐप पर लाइव कब से आइएगा ऐप पर भी लाइव रहेंगे जी पहले यहाँ पर लाइव देख लो आप लोग एक बार ऐप पर तो प्री रिकॉर्डेड हम हर चीज रखते हैं डॉट सेशन लेते रहते हैं ठीक है ना रॉबिन चलिए वीएम की बात करूं तो ये क्या होगा वीएम सॉरी करंट का कर्व है आई एम साइन ओमेगा टी आई एम और साइन थीटा लिख देता हूं पहले चूंकि थीटा ही ओमेगा टी में कन्वर्ट होता है एंगुलर वेलोसिटी के अंदर आ, तो यहां पे मैं कहूं कि आई एम साइन ओमेगा टी ये करंट का कर्ब है है ना इसी को लिखते हैं कर वोल्टेज कर्ब को इस वेब फॉर्म को वोल्टेज के वेब फॉर्म को लिखा जाता है वीएम साइन ओमेगा ये एसी के लिए और करंट के वेब फॉर्म को लिखा जाता है आई एम ओमेगा टी क्या लिखा जाता है सर आई एम साइन ओमेगा टी ओके अब ऐसा क्यों है चूंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी ध्यान से समझिएगा दो सेकेंड एक आपने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन इंजीनियरिंग में कोई बात नहीं आपने मैथ्स पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है सर मैं कहता हूँ कि हाँ आपने मैथ्स तो पढ़ा है हाँ चलिए सर मैथ्स पढ़ें तो मैथ्स में क्या पढ़ें हाँ जी क्या पढ़ें ये देखिए जी कि आपने मैथ्स का भी पढ़ा है तो आपको किसी ने बोला होगा कभी कि साइन थीटा का कर्व बनाइए साइन थीटा का क्या बनाना है कर्व बनाना है साइन थीटा का क्या बनाना जी कर्व तो साइन थीटा का कर्व आपने कभी किसी टाइम ऐसा ही बनाया होगा मैथ्स के अंदर साइन थीटा का कर्व आपने ऐसा ही बनाया होगा तो साइन थीटा का कर्व ये क्या इंडिकेट करता है साइन जीरो डिग्री पे वैल्यू जीरो साइन जो है नब्बे डिग्री पे वैल्यू साइन का मैक्सिमम फिर साइन एक सौ अस्सी डिग्री पर वैल्यू जीरो फिर साइन दो सौ सत्तर डिग्री पे वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम फिर साइन तीन सौ साठ डिग्री पे वैल्यू जो है जीरो ये साइन का हमने कॉलम पढ़ा होगा साइन के बारे में कभी पढ़ते थे मैथ्स के अंदर साइन के बारे में देखिए साइन के बारे में अगर वैल्यू देखना है तो थीटा के डिफरेंट में डिफरेंट वैल्यू की बात करें जीरो डिग्री तीस डिग्री पैंतालीस डिग्री पहले मैथ्स से समझिए हर चीज मैथ्स है यहाँ पे साठ डिग्री और नब्बे डिग्री समझिएगा चीजों को तो कहता है कि क्या कि हम जब साइन थीटा पढ़ते थे मैथ्स के अंदर क्या पढ़ते थे जी थीटा तो वहां पे थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे साइन का मान क्या हो जाता था साइन थीटा का मान क्या हो जाता था तो साइन जीरो पर वैल्यू इसका जीरो जीरो का वैल्यू क्या होता है जीरो डिग्री पे जीरो और साइन तीस का मान कितना होता है वन बट <laughs> जीरो बाय फोर वन बाय फोर, फोर वन बटर टू होता है कितना होता है जी वन बटर टू होता है यहाँ कितना होता है वन बटर याद नहीं रखना मैं अभी सब बताता हूँ याद रखना ही नहीं मुझे भी याद नहीं थे मैंने दिमाग में फटाक से लगाया और आ गया है ना यहाँ कितना होता है सर रूट थ्री बाय टू होता है और यहाँ पे क्या होता है मान मतलब साइन थीटा अपने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे डिग्री पर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड देता है यानी थीटा के कुछ और मान होने पर साइन थीटा का मान बदलते रहता है थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होने पर साइन थीटा का मान क्या होता है जी बदलते रहता है तो जिस तरीके से साइन जीरो पे इतना साइन तीस डिग्री पे आधा साइन पैंतालीस डिग्री पे आधा इस तरीके से होता है वैसे ही समझिए साइन मैक्सिमम कब मिला साइन मैक्सिमम वैल्यू नब्बे डिग्री पे मिला कहाँ मिला नब्बे डिग्री पे और जीरो पे क्या मिला जीरो यही कर्व देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है एक जनरेटर में एक जनरेटर में भी यही करा था जीरो डिग्री पे जीरो मैक्सिमम पे मैक्सिमम ये बात अलग है वोल्टेज चाहे जितना भी ऊपर मैक्स मिल रहा है ना फिर नब्बे एक सौ अस्सी पे वैल्यू क्या जीरो फिर इतना क्या ये मैक्सिमम फिर क्या जीरो इसी तरीके से कर्व चल रहा है तो एसी का भी कर्व इसी तरीके से चलता है चूंकि ये वेव साइनोसोइडल वेव है ये क्या है एक साइनोसोइडल वेव है ये भी जीरो पर जीरो वैल्यू देता है नब्बे पे मैक्सिमम देता है दो सौ सत्तर पे क्या होता है जी इतना जीरो देता है एक पे फिर मैक्सिमम देता है तीन पे जीरो देता है लेकिन अभी मैंने जीरो से नाइन्टी तक का बात किया था ना जीरो से नाइन्टी तक का तो जीरो से तीस डिग्री पे वैल्यू इतना दिया है ना पैंतालीस डिग्री पे वैल्यू इतना दे रहा है है ना साठ डिग्री पे मैग्नीट्यूड इतना दे रहा मतलब वोल्टेज इतना दे रहा ये वाला ये वोल्टेज का कर्व है ना तो ये देखो और नब्बे डिग्री पे वोल्टेज इतना दे रहा सबसे ज़्यादा वोल्टेज कितना है 90 डिग्री पे ये मैग्नीट्यूड खड़ा खड़ा देखना है एंगल इधर बढ़ रहा है है ना मैग्नीट्यूड वोल्टेज का इधर बढ़ रहा है एंगल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं मैग्नीट्यूड इधर उधर बढ़ रहा है और जैसे इससे नब्बे से ऊपर जाएंगे तो फिर मैग्नीट्यूड घटना शुरू कर देगा तो ए सी क्या होता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है, है, है ओके क्यों ऐसा होता है गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऐसा क्यों होता है जी ऐसा होने के बहुत सारे कॉज हैं क्या यहां देखिए क्योंकि एक अल्टरनेटर जब घूमता है तो आपको पता है जीरो क्यों हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच पैल लाइन में कट करता है तो पैलल लाइन में कट करेगा तो ई एम एफ जीरो लेकिन जैसे जैसे, जैसे एंगल पे कट करेगा तो वैल्यू बढ़ता चला जाता है और जैसे ही 90 डिग्री पे ऐसे कट करेगा फील्ड ऐसे है कंडक्टर ऐसे कट करेगा मैक्सिमम यहाँ प्रोड्यूस होता है लेकिन जैसे जैसे, जैसे फिर एंगल बढ़ते जाता है वैल्यू घटते जाता है या फिर फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फील्ड के पैलल हो गया तो ई एम एफ जीरो तो सिमिलरली वेब फॉर्म इसके कैसे होते हैं इस तरीके से आते हैं और इसको आउटपुट में ले लेते हैं सो जब वोल्टेज का है और कोई लोड लगाएंगे तो हमारा करंट भी प्रोड्यूस होगा ध्यान रखना आपको यहाँ पे वीएम जिसको बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज आईएम को बोलते हैं मैक्सिमम करंट आई एफ टी हम कहते हैं आपका टाइम करंट विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में और ये वोल्टेज होता है ये थीटा या एंगल है रिप्रेजेंट करता है या टाइम को रिप्रेजेंट करता है ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी सोनी साइनी जी इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अपन चीजों को लिखते हैं ओके चलिए आई होप सो एक एक चीज क्लियर हो चुका है तो ये क्या क्या है साइन वेव ये हमने कहाँ पढ़ा था सर ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा था अभी हम इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ रहे सर हमने ये कहाँ पढ़ा था सर हमने मैथ्स में पढ़ा था तो मैथ्स में आपने देखा कि थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे साइन अलग अलग वैल्यू देता है यानी जीरो पे कम नाइन्टी पे मैक्सिमम जीरो पे कम और नाइन्टी पे मैक्सिमम तो ये कैसा वेव है एक इसको बोलते हैं साइन वेव इसको क्या बोलते हैं जी साइन वेव ये हमने मैथ्स में पढ़ा है साइन वेव वेव और यही वेव जब जनरेटर से हम उत्पन्न कराते हैं तो ऐसा ही वेव मिलता है इसीलिए इलेक्ट्रिकल के इस वेव को साइनोसोइडल वेव कहा जाता है क्या कहते हैं जी साइनोसोइडल वेव भी कहा जाता है ध्यान रखिएगा आपको बोलेगा साइनोसोइडल वेव क्योंकि ये साइन वेव को फॉलो करता है एक जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम प्रोड्यूस ही इस तरीके से कराते हैं ताकि ऐसा हो और इसमें हमारा हर चीज बेहतर होता है इस वेव का परफॉर्मेंस स्क्वायर वेव क्योंकि अल्टरनेटिंग वेव तो बहुत सारा होता है हम अल्टरनेटिंग वेव ही तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसमें साइनोसोइडल करते हैं क्यों क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है इसीलिए हम साइनोसोइडल वेव जनरेट करते हैं मतलब साइन वेव वेव के जैसा ही जब जनरेट करते हैं इसी को साइनोसोइडल वेव कहा जाता है आई होप सो क्लियर वेव होगा यहाँ पे वन when... पहले यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है आई होप सो एक एक चीज़ क्लियर होगा हमारा टॉपिक का हेडिंग ही क्या था टॉपिक का हेडिंग ही क्या था जेनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज हमने लास्ट टाइम एनिमेशन से एक एक चीज़ को कराया था आज आपने एक एक चीज़ को देख लिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है धीरे धीरे एंगल जैसे से बढ़ता है ये मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है वैल्यू का और वही चीज़ देखने को इस कर्व में भी मिलता है एंगल बढ़ने से वैल्यू मैगसिम मिलता है ओके okay, अब यहां से कुछ टर्मोलॉजी लिख भी देता हूं जहां पे वीएम क्या है इसी को बोलते हैं पीक वोल्टेज इसी को वर्ड क्या देते हैं जी पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज है ना आईएम को क्या बोलते हैं पीक करंट पीक मतलब शिखर मैक्सिमम मैक्सिमम करंट v of t को क्या बोलेंगे i एफ t को क्या बोलेंगे वोल्टेज विथ फंक्शन किसका फंक्शन है t टाइम का फंक्शन है विथ फंक्शन टाइम या थीटा टाइम या एंगल का फंक्शन है करेंट विथ फंक्शन किसका फंक्शन है जी टाइम का फंक्शन है या थीटा एंगल का फंक्शन है ठीक है न आई होप सो सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए है ना कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एंगल में इसको अल्टरनेटिंग क्यों कहा गया है ना इस वेव को अल्टरनेटिंग क्यों कहा गया क्योंकि क्या है ये वेब हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस करता है क्या करता है जी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस करता है ये हमेशा क्या करता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस करता है ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस करता है ओके okay? तो आई होप सो एक एक चीज क्लियर रहा होगा है ना एक एक चीज क्लियर रहा होगा आ, ये हमारा पहला ही टॉपिक है ध्यान से समझें कोई जो लेट आए हो वो समझे एक एक चीज ऐसी जनरेशन क्या है हमने हर एक चीज को बताया ओके okay, एनिमेशन का यूज करके इससे पहले वाले वीडियो में देखना उसमें एनिमेशन का यूज करके हमने हर चीज को क्लियर किया सर ये झारखंड पॉलिटेक्निक का भी है बिल्कुल आपको हर जगह का अगर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट सिलेबस का पार्ट है तो बिल्कुल ये आपका क्या होगा जी उसका सिलेबस रहेगा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल सर्किट तो ये उसका सिलेबस का पार्ट होगा ओके okay, तो आई होप सो ये भी चीजें समझ चुके होंगे आप लोग तो यहां तक आई होप सारी जानकारी आपको मिल चुका है ठीक है अब मैं यहां पे बात करूंगा कि ये जो इक्वेशन है ये क्या क्या बताता है ऐसी जनरेशन हो गया आपको यहां पर एक चीज नोट करना है ड्यू टू ड्यू टू पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्यू टू पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंजेस चेंजेस ऑफ वेब फॉर्म्स ऑफ वेब फॉर्म्स ड्यू टू चेंजेज ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव वेब फॉर्म इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड इसीलिए इसको क्या कहते हैं इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग ओके अल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करता है लगातार साइकिल इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग कहा जाता है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है जी अल्टरनेटिंग गुड गुड इवनिंग इवनिंग हाँ जी आ आपका क्लास जो है इसी टाइम में होगा मोस्टली देखिए आप लोग के लिए कौन सा सुटेबल टाइम है आप लोग एक बार मेंशन कर सकते हो क्या अगर आपको लगता है कि आपको कौन सा टाइम चाहिए मॉर्निंग का अगर टाइम चाहिए कोई बच्चा अगर ऐसा बोलेगा कि सर मुझे तो सुबह का टाइम चाहिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये बोलेगा कि सर मुझे सुबह का टाइम चाहिए तो बताइए मैं मॉर्निंग टाइम को प्रीफर करूँगा क्या आप लोग मॉर्निंग में फ्री रहते हो या फिर टाइमिंग यही ठीक है सभी बच्चे बोलेंगे फिर मैं आप लोग के लिए रेगुलर क्लास सर यही टाइम सही है क्रेजी शॉर्ट्स और कोई बताएगा जी सर मॉर्निंग टाइम जीके संकर जी के गुरु शंकर जी मॉर्निंग में नहीं सर ओके और कोई किसी को लगता है कि वक्त देना चाहिए और किसी को लगता है कि सर किस टाइम चाहिए क्लास मैं कोशिश करूँगा उस टाइम अपने टाइम को फिक्स करने का अभी एक दिन क्लास दिन में ग्यारह बजे चलाया यही ठीक है एक दिन सात बजे चलाया अब देख रहे हैं जिस टाइम सुटेबल होगा जिस टाइम आप लोग ज़्यादा बच्चे जुड़ोगे उस टाइम हम कोशिश करेंगे आपके क्लास को लेने का है ना तो आई होप सो आपने एक एक चीज देखा अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखते हैं ए सी अल्टरनेटिंग में अल्टरनेटिंग क्यों कहा ए सी के बारे में और सारा चीजों को समझिएगा ये जो कर्व हमने बोला वोल्टेज जेनरेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमेशा इसी रिफरेंस में लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी है ना या अगर करंट को लिखेंगे और या आप करंट को लिखोगे तो आई ऑफ टी इक्वल टू आई एम साइन साइन ओमेगा टी क्यों ऐसा क्योंकि करंट का देखिए करंट का जो मैक्सिमम मान कितना होगा अगर ज्यादा ज्यादा एक अगर बात कर सकते हैं साइन के पुटर में तो उसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए नब्बे डिग्री तो देखिए मैक्सिमम करंट मिल रहा है ना साइन नब्बे पे मान कितना हो जाता है इसका एक तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि नहीं है ना करंट का जो वैल्यू है अगर कोई कहे कि करंट का वैल्यू जो है मैक्सिमम कितना मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा अगर थीटा का मान कितना हो जाए डिग्री तो आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा है ना यही टाइम ठीक है कंफ्यूजन में चल रहे हो कोई मॉर्निंग कोई इवनिंग है ना अब समझिए तो ये वाला बात हो गया वोल्टेज के लिए ये वाला बात, बात हो गया करंट के लिए अब यहां पे समझिए यहां पर ओमेगा इंटू टी थी, थीटा बराबर क्या है जी ओमेगा इंटू ये ओमेगा इंटू टी क्या है यहां पर समझिए ओमेगा जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्वेंसी को और एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ओमेगा ओमेगा का मान आपको कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है तो ये टू पाई एफ होता है ओमेगा का वैल्यू क्या होता है टू पाई एफ ओमेगा का वैल्यू क्या होता है टू पाई एफ जहां पे एफ क्या है फ्रीक्वेंसी होती है एफ क्या होता जी फ्रीक्वेंसी होता है ठीक है ना तो ये सब ध्यान रखना जहां पे सर ये इस चीज को और एलिब्रेट करिए इस चीज को और एलिब्रेट करिए तो देखिए ये एक सर्किल में ये जनरेशन कैसे हो रहा है ये जनरेशन सर इसी तरीके से हो रहा है जैसे जो घूमेगा प्रोड्यूस करेगा तो यहां यहाँ देखिएगा आज है, आज लगता है मशीन क्लास नहीं हो पाएगी ध्यान रखना आज मशीन की क्लास नहीं हो पाएगी देखना ये जो है ना यहां से कोई कंडक्टर यहां तक गया उसके लिए उसको वक्त कितना लगा टी टाइम है ना एक कोई कंडक्टर है जो इस पोजीशन से यहाँ तक जा रहा है उसके लिए वक्त कितना लग रहा है टी इसकी स्पीड क्या है ओमेगा इसका स्पीड क्या है ओमेगा और ये कितना एंगल कवर कर रहा है थीटा कितना एंगल कवर कर रहा है थीटा सो आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी या फिर ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो आप थीटा वटर टी थीटा वटर टी अब देखना आप पढ़ते हो ना कितना थीटा एंगल है कितना एंगल ये कर्व सेप है ना ये कैसा सेप है सर कर्व सेप है तो ये एंगल है थीटा ये है दूरी थीटा इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में उस कंडक्टर को कितना टाइम लग रहा है टी टाइम लग रहा है और उस टाइम उसकी कंडक्टर के गुजरने की जो गति है दैट इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसी को बोलते हैं सर आपका टेलीग्राम में कोई चैनल है बिल्कुल इंजीनियर्स ग्रुप टेलीग्राम चैनल अगर डालोगे तो वह आप पता चल जाएगा अब देखिए ये तीनों टर्मोलॉजी क्लियर है क्या सर ये टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम कितना टाइम एक कंडक्टर को इस पोजिशन ए से पोजिशन बी जाने में कितना वक्त लगता है तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कंडक्टर तो ऐसे घूम रहा है ऐसे तो एंगुलर वेब में घूम रहा है ना तो ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी क्या जी एंगुलर वेलोसिटी किसका जी वो कंडक्टर किस गति से घूम रहा है और जब गति घूमेगा तो दूरी होगा ना तो दूरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं आर्क में है कैसा आर्क में सो एंगल थीटा के रूप में हम बोलते हैं क्या है ये थीटा कितना कितना थीटा यहाँ से यहाँ अगर पूरा कंप्लीट थीटा की बात कर लेंगे तो तीन डिग्री हो जाएगा कंप्लीट थीटा की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा तीन लेकिन यहीं तक थीटा की बात करेंगे तो हमारा कितना है ये थीटा चाहे तीस डिग्री हो बीस डिग्री हो पच्चीस डिग्री हो क्लियर है आई होप सो बिल्कुल क्लियर होगा हर एक चीज क्लियर होगा अगर आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक थीटा कितना है सर तीन सौ साठ डिग्री हो जाएगा अभी इतने दूर के थीटा की बात कर रहे हैं ठीक है ठेके? तो पोजीशन ए से पोजीशन बी पोजीशन ए से पोजीशन बी ओके तो आई होप सो आप हर चीज को समझ पा रहे हो एक एक चीज को है ना सर अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी यहाँ फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है इसकी यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो किस में होती है हर्ड्स में है ना फ्रीक्वेंसी की यूनिट किस में हर्ड्स में सर कोई पूछेगा ओमेगा की यूनिट तो ओमेगा में भी क्या होता है टू पाई एफ ये तो, तो वैल्यू है ना इसकी भी यूनिट को अगर कोई पूछे तो सर ये भी क्या होगा हर्ड्स में ओमेगा का यूनिट भी किस में होता है जी हर्ड्स में ओमेगा का यूनिट भी क्या होता है जी हर्ड्स में क्लियर है ये सारी चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तो हमने आज एक टॉपिक को कंप्लीट किया जेनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज इस टॉपिक का क्या नाम है जेनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज इसका पूरा की पिक्चर मैंने इससे पहले के एक घंटे के लेक्चर में करवा रखा है आप लोग जा सकते हो यूट्यूब पर देखना आपको ये टॉपिक मिल जाएगा आज सेकेंड लेक्चर है इसके बाद हमने लैंग्वेज कुछ दिया जेनरेशन कैसे हुआ इसके ईएमएफ कर्व को बताया वेब फॉर्म्स को दिखाया और हर चीज हर एंगल पे किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है चीज़ों को कौन पिक करंट है कौन टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू है यहाँ पे ओमेगा टी लिखते हैं तो ओमेगा क्या मतलब होता है टाइम का क्या मतलब होता है ठीठा का क्या मतलब होता है आई होप सो आपने हर चीज़ देख लिया हम आगे के सेशन को फिर कंटिन्यू करेंगे अब मशीन की क्लास आज नहीं होगी आगे अपकमिंग टाइम में देखने वाले हैं ओके okay, तो आज के सेशन के ऊपर होल्ड करता हूं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ध्यान रखना अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो हमेशा इलेक्ट्रिकल वाले फैकल्टी के पास ही जाइए कोशिश करिए ऐसी फैकल्टी जो आपको इलेक्ट्रिकल में पूरी बेहतरीन तरीके से चीजों को डील करे फोकस करिए वहां पे क्योंकि बच्चे बहुत पता नहीं होता कि वो इलेक्ट्रिकल के टीचर को किस तरीके से पढ़े तो मैं कहूंगा ये न्यूमेरिकल पेपर है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के टीचर से आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं और यही इलेक्ट्रिकल का आपको बेस बनाएगा सो इंजीनियर्स ग्रुप आप लोग को इलेक्ट्रिकल के लिए एक कह सकते हो बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले होगा जहां पे इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे लाखों बच्चे हैं सवा लाख बच्चे हैं जो सिर्फ़ इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर इंजीनियर्स ग्रुप पर हम सेमेस्टर की तैयारी करवा करवा रहे हैं और हमारे एक और प्लेटफॉर्म में अगर आपको नॉन टेक की तैयारी करनी होती है दैट इज रेलवे ग्रुप पे हमारी नॉन टेक की भी तैयारी होती है तो आई होप सो आप हर सेशन पे हर प्लेटफॉर्म को इंजॉय कर सकते हैं हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बाय बाय टेक केयर थैंक यू गुड नाइट